हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महतोजी टेक्निकल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे SBI म्यूचुअल फंड का सी पॉज या कैंसिल कैसे किया जाता है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे SBI म्यूचुअल फंड लिखकर गूगल पे सर्च कर लेंगे, उस पर जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हम लॉगिन कर लेंगे। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। मैंने नहीं कर रखा, यह आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, जिससे मैं पहले रजिस्टर कर लूँ फिर लॉगिन करके आपको दिखाऊँगा। रजिस्टर करने के लिए फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करके आगे प्रोसीड करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। यहाँ पे एक कैपिटल लेकर एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और नंबर को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा। कंफर्मेशन के लिए अगेन हम उसी पासवर्ड को फिल करेंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे रजिस्टर ईमेल पे एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ फिल करेंगे। ध्यान रखेंगे जो रजिस्टर्ड ईमेल है या जो हमने यहाँ पे दिया है वही हमारा लॉगिन आईडी बन जाएगा। यहाँ पे जिस इस सीप को कैंसिल करना, उस सीप जिसके नाम से होगा उस पर्सन का पिन कार्ड नंबर डालकर वेरीफाई करेंगे। यहाँ मैंने अपना पिन नंबर डाल दिया है, उसके बाद वेरीफाई करना, वेरीफिकेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लिंक फोलियो करेंगे, जिससे उस पैन कार्ड और SBI के जितने म्यूचुअल फंड होंगे वो सारे हमारे लिंक हो जाएंगे और हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिंक करने के लिए अगेन हमारे रजिस्टर फ़ोन नंबर और ईमेल पे एक OTP गया, उस OTP को फिल करने के बाद हमारा ये फोलियो लिंक्ड हो चुका है। यहाँ पे अभी नीचे के साइड में नेक्स्ट ऑप्शन का मिलेगा, हाँ यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट का जो भी SBI का म्यूचुअल फंड या सीप हमने कर रखा हो वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अभी मैं जो अकाउंट लॉगिन किया हूँ इसमें सीप नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसका सीप हमें कैंसिल या पॉज नहीं करना है, तो हम इसे लॉग आउट कर लेंगे। और ये जस्ट मैं आप लोग को रजिस्टर कैसे कर दिए सिखाने के लिए इस अकाउंट को मैंने रजिस्टर करा है, और इस अकाउंट का हम लॉगिन लॉग आउट कर लेंगे। और जिस अकाउंट का SIP पॉज या कैंसिल करना उसे हम वापस से लॉगिन करेंगे। तो हम फिर से लॉगिन स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर हम उस अकाउंट को डालेंगे जिसका हमें सीप कैंसिल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अगेन हम अपना वो पेन देंगे जिसका सीप कैंसिल या पॉज करना है। ये ऑलरेडी हमने लॉगिन कर रखा है तो फोलियो ऐड हो चुका है। हम डायरेक्ट अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। ये हमारा अकाउंट डिटेल दिख रहा है आपके सामने, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा। एक जो सीप है वो 5 तारीख और 10 तारीख को ड्यू है, हमें ये नहीं करना, इसे कैंसिल करना है। तो हम राइट लेफ्ट साइड में पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो पे क्लिक करने पे हमारे पोर्टफोलियो पूरा ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखने लगेगा हमें। यहाँ पे नीचे हमारा, यहाँ नीचे की साइड हमें इस अकाउंट में जितने भी SIP कर रखा है वो दिख रहा होगा। ये SBI फ्लेक्सी कैप और एक SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड है, तो इन्हें हमें स्टॉप करना है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे मॉडिफाई सिप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं। हमें 3 ऑप्शन दिखने को मिलता है, पॉज, टॉप अप और कैंसिल। हमें कैंसिल करना है, पॉज का भी सेम प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा। हमें कैंसिल करना है, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मांग रहा है। SIP मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो अच्छा रहता है, आप कैंसिल कर रहे हो तो नुकसान होगा। चले, लेकिन हमें इसका स्कीम चेंज करना है, या कभी हो सकता है कि किसी मंथ में पैसा नहीं रहा हो, उस केस में यदि उस मंथ में स्किप करना हो तो आप पॉज कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरा कैंसिल करके स्कीम ही चेंज करना है। तो हम इस SIP को ही बंद करेंगे और फ्रेश नया चालू करेंगे। इसका हम यहाँ पे स्टॉप दिस SIP को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन
है, मतलब रीजन फॉर कैंसिलेशन मांग रहा है, इनमें से कोई सा भी हम दे देंगे। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एग्जिट लॉट विस्टून डिफरेंट स्कीम, चलिए हम ऑर्डर कर देते हैं, कंफर्म करेंगे। ये आगे प्रोसीड नहीं हो रहा है, कुछ छूट रहा है क्या, ये पर और करते हैं। नहीं, क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा ऑर्डर करने से यहाँ पे रीजन फॉर कैंसिलेशन देना पड़ेगा। चलो फिर हम कोई और दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं, विश टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट स्कीम कर लेते हैं। चलो कंफर्म करते हैं, हाँ अभी ले लिया है। कैंसिलेशन सक्सेसफुल, यहाँ पे नीचे आ रहा है योर सीप ऑफ अमाउंट 1000 इज नाउ कैंसल। चलो अच्छा है, कैंसल हो चुका है हमारा सीप, अगले मंथ नहीं कटेगा। 5 तारीख को डिडक्ट होने वाला था बैंक अकाउंट से, ऑटो डिडक्शन पे था, और 27 तारीख है, उन्हें सही टाइम पे एक सप्ताह पहले लगभग कैंसिल कर दिया। एक बार और हम उसी SIP को कैंसिल करके देखेंगे क्या है, क्या शो करता है, एक्चुअली कैंसिल हुआ है या मतलब, एक बार ऐसे ही देखते हैं दोबारा कैंसिल करके क्या होता है। चलो सेम प्रोसेस दोबारा करते हैं उसी SIP को। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सीज्ड, अच्छा मतलब वो पहले ही एक रिक्वेस्ट चला गया इसलिए अभी ये नहीं ले रहा। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि हमने सही तरीके से कर दिया इसको कैंसिल। अब एक दूसरे वाले को भी हम कैंसिल कर देते हैं सेम प्रोसेस से। तो फ्रेंड इस तरह से हम अपने एक्टिव SIP को कैंसिल, पॉज या टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप यानी एक्स्ट्रा पैसा हो तो उस मंथ में डालने के लिए वो टॉप अप बोलता है, बाकी पॉज तो यदि किसी मंथ में पैसा नहीं है आपके पास या कुछ दिन के लिए पॉज करना चाहते हैं तो पॉज कर सकते हैं। बाकी कैंसिल तो इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको स्कीम चेंज करना है, स्कीम अच्छा नहीं लग रहा किसी और दूसरी स्कीम करनी या नहीं करना है तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।